धौलपुर जिले के बीजेपी कार्यालय पर भाजपा की संगठनात्मक संभाग स्तरीय बैठक संपन्न हुई। संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने बैठक की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने नहीं सही का राजस्थान कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में जनता की आवाज को आंदोलन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। हर मोर्चे पर फेल राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान को अपराध एवं करप्शन की आग में झोंक दिया है। बीजेपी की संगठनात्मक संभाग स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बीजेपी दफ्तर में हेमराज मीणा की अगुवाई में सीएम गहलोत पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। पार्टी कैसे मजबूत किया जाए उस सबके बारे में थी। जहां तक सेंटर की बात आई थी, सेंटर की बात में यह था कि आज कांग्रेस के पास कोई वजूद तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ विघन डालने के बजाय और कोई हर चीज़ में वॉकआउट कर जाना, बाहर निकल जाना और उसका हा हुल्ला करना, इसलिए लोकसभा संसद नहीं चल पाई। जहाँ तक आपने बात रखी भारत के भरतपुर में कैसे जीतेंगे, मैं आपको माध्यम में बता दूँ कि भरतपुर में जो हिसाब से हमें पीछे नुकसान हुआ था कुछ ना, तो अजमेर से लगा के यहाँ तक सिर्फ ये तक हमारा समाज बाहर निकल गया था, उसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं 2013 में भी इस संभाग के सारे में प्रभारी था, कुछ नाते भी हमारी सारी सीटें जीती थी। आज भी मैं आप सबके सामने वादा करता हूँ कि हमारी SC ST की जितनी सीटें हैं 100% सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। भरतपुर संभाग में BJP की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि मैं समझती हूँ भरतपुर संभाग पूरा की पूरा भारतीय जनता पार्टी और BJP पर, पूरा भरतपुर संभाग ही नहीं पूरा देश विश्वास करता है। इसलिए भरतपुर संभाग में ही नहीं, पूरी संभाग की सीटें हमारे पक्ष में आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार करा है, आज आप देखिए कि झूठ बोलकर लोगों को बरगल आकर जो किसानों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी करी, आज वो सामने आ रहा है। उनके एक भी वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए जनता उनसे त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। इसलिए पूरे संभाग में हमारी सारी की सारी सीटें आएंगी। लोकसभा को व्यवधान उत्पन्न किया, राज्यसभा में व्यवधान उत्पन्न किया और इस हद तक किया कि उन्होंने लोकसभा की चेयर को राज्यसभा की चेयर का भी अपमान किया। तो ये हमको आप एक तरफ दो ट्रिप है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा का उपयोग देश की उन्नति और सम्मान के लिए और आम जन की उन्नति के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ जो परिवारवादी पार्टियाँ हैं और जो गठबंधन परिवारवादी हैं, वो अपने हित के लिए, राष्ट्र का इतने अपने हित के लिए, अपने दल के हित के लिए और निजी हित के लिए इस संसद को और इस संसद के पवित्र मंदिर को भी बाधित करने का काम कर रहे हैं।